दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कर्मचारियों से वार्ता करने के लिए सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय कमेटी। राज्य कर्मचारियों से वार्ता के लिए सरकार ने मंगलवार देर रात उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय कमेटी गठित कर दी है। इसके अध्यक्ष उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत होंगे। कमेटी में खाद्य आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनिस खान और जल संसाधन मंत्री राम प्रताप भी हैं। बता दें कि ग्रेड पे रिवीजन, वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग को लेकर सरकार के एक दर्जन से ज़्यादा कैडर्स लंबे समय से हड़ताल पर हैं। दोस्तों, देर रात को उन्होंने एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल कमेटी गठित कर दी, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, जिसका आपको हमने पिछले वीडियो में सबूत दिखाया था कि वो सिर्फ अनुशंसा करेगी न कि रिपोर्ट लागू करेगी। दोस्तों, अगर आपको वो पूरा वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, 12,000 पंचायती राज कर्मचारी आज सामूहिक इस्तीफा देंगे। पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे पंचायती राज विभाग के 12,000 से अधिक कर्मचारी बुधवार को सामूहिक इस्तीफे पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ को सौंपेंगे। जयपुर के जोटवाड़ा में दशहरा मैदान पर मंगलवार को आयोजित सभा में कर्मचारी नेताओं ने इसकी घोषणा की। दोस्तों, देर रात वसुंधरा राजे ने उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल कमेटी गठित कर दी, जिसमें इसके अध्यक्ष हैं उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, कमेटी में बाबूलाल वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनिस खान, जल संसाधन मंत्री राम प्रताप सदस्य के रूप में है। यह कमेटी सिर्फ अनुशंसा करेगी न कि इनकी रिपोर्ट को लागू करेगी। दोस्तों, और आज एक बड़ा फैसला लिया कल पंचायती राज कर्मचारियों ने कि आज सामूहिक इस्तीफा देंगे लगभग 12,000 कर्मचारी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूले दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।